हल्द्वानी में सड़क चौड़ीकरण को लेकर प्रशासन को एक बड़ी राहत मिली है। आखिरकार कालू सिद्ध मंदिर को शिफ्ट करने के लिए आम सहमति बन गई है। सड़क चौड़ी करने में कालू सिद्ध मंदिर एक बड़ी बाधा बना था, इसे हटाने में प्रशासन के हाथ पैर फूल गए थे। जिला प्रशासन और मंदिर के महंत कालूगिरी महाराज के साथ हुई वार्ता के बाद मंदिर की शिफ्टिंग पर आम सहमति बन गई है। प्रशासन ने कहा है कि कालू सिद्ध मंदिर को बगल में ही शिफ्ट किया जाएगा और 12 मीटर सड़क चौड़ीकरण के साथ ही फुटपाथ ओवरब्रिज का निर्माण आरंभ हो जाएगा। उससे पहले जल्द ही मंदिर शिफ्टिंग का कार्य शुरू होगा। गौरतलब है कि मंगल पड़ाव से रोडवेज स्टेशन तक सड़क चौड़ीकरण कार्य को लेकर प्रशासन लगातार अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही कर रहा था। सर, ये प्रशासन से ये सहमति बनी है जगत के हित के लिए, वो कह रहे हैं रोड चाहिए सर चौड़ी है सर, उसके लिए फिर हमने भी कहा फिर रोड तो जगत के लिए ही है, सभी चलेंगे उसमें है जी, इसीलिए हम भी मान गए हैं कि ये मंदिर की जगह दे रहे हैं आपकी, इधर शिफ्ट कर देंगे। हमने कहा चलो भगवान का कार्य है, सरकार का काम है, इसको हम रोक नहीं सकते, बड़ा काम है ना। जो हमारा हल्द्वानी में रोड वाइडनिंग का वर्क चल रहा है, उसमें मंगल पड़ाव से रोडवेज के मध्य अन्य संरचनाओं के साथ साथ एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थान कालू सिद्ध मंदिर भी है। और जिला प्रशासन के द्वारा विगत 3-4 माह से लगातार समिति के साथ समन्वय करके उनसे बातचीत की जा रही थी। उसी क्रम में आज बरेली से महंत कालूगिरी महाराज जी अन्य अपने साधु संतों के साथ आए थे। उनके साथ सौहार्दपूर्ण माहौल में एक बैठक हुई और उनके द्वारा शहर से इस बात की सहमति दी गई है कि व्यापक जनहित में और लोकहित में इस मंदिर को नए स्थान पर रिलोकेट किया जाएगा, क्योंकि मंदिर जहां पर पौराणिक रूप से स्थापित है उसी के बगल के स्थान को इसके लिए चिन्हित किया गया है। ये आज मंदिर समिति के साथ सिटी मजिस्ट्रेट साहब और एसडीएम साहब के साथ संयुक्त रूप से बैठक हो गई है, उस पर एक आम सहमति बन गई है। हम लोग अब यहाँ पर मंदिर को जो हमारा करीब यहाँ से 12 मीटर है, फिर हमने यहाँ पर एक फुट ओवर ब्रिज को भी प्रपोज किया हुआ है, उसके हिसाब से एक मार्किंग करते हुए अब इस काम को आगे बढ़ाया जाएगा। जो शहर के चौड़ीकरण के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट था यहाँ पर, और इस पर शुक्र है कि सभी लोगों ने आम सहमति बना ली है। यह हर्ष का विषय है कि चौड़ीकरण में सभी लोग साथ दे रहे हैं। हम सभी का सभी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।